और अब वक्त हो गया जनाब तलहा के पसंदीदा सेगमेंट का, जो कि है बोल प्रेडिक्शन। देखिए, जहाँ चांद होता है वहाँ सितारे भी होते हैं, चांद यहाँ है, सितारे यहाँ हैं। आप चलें सितारों की तरफ, मैं चांद पे खुश हूँ। क्या कह सकते हैं, सितारा बोला है तब भी सैरिश खुश नहीं हो रही। देखिए यार, अंदाजा देखिए ना, शुक्रिया। हमारे साथ सारा काजमी मौजूद है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कह रहे हैं हालात, क्या होने वाला है इस मुल्क में? ईद मुबारक टू यू सारा, बिलेटेड। जैसे कि मैं आपको पहले भी प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि ये अभी हम लोग वी आर इन बिटवीन द इक्लिप्सिस, तो अभी जो नेक्स्ट 15 डेज है वो काफ़ी क्रूशल रहेंगे, क्योटिक रहेंगे। जो आप लोग देख भी चुके हैं कि एकदम से क्योस हुआ था बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग, तो वो अभी भी ये बरकरार रहेगा अंटिल मिड ऑफ मे तक, मुझे जहाँ तक मेरी। ईद कैसी गुजरी आपकी? सॉरी, ईद कैसी गुजरी आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद गुजरी, सुकून से गुजरी काफी। मौसम अच्छा था। कितनी ईदी कितनी जमा की आपने? मैंने अब एक्चुअली आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। ईदी कितनी जमा की, पैसे कितने जमा किए आपने ईदी के चक्कर में? ईदी बहुत सारी जमा की, मैंने आराम से रखी हुई है, उसको मैं आराम आराम से खर्च करूंगी। कुछ मैंने दी भी जो मेरे फ्रेंड्स के ना बचे थे एंड एवरीथिंग, सो वहां पे भी दी, कुछ रखी एंड एवरीथिंग, एंजॉयड अ गुड ईद। मुझे लगा शायद पैसों की बात पे समझाई, आवाज कम आती है फिर ना कि नहीं बताना कितने पैसे जमा हुए हैं। तला की नजर होगी ना उसके ऊपर। अच्छा चले जनाब, ऑन अ लाइटर नोट मुझे ये बताइएगा कि अब सिचुएशन क्या बनती देख रही है? तमाम जमातों को कहा गया कि मिलके बैठे, कोई कंसेंसस डेवलप होता देख रही हैं आप? Not right now, until 15th of May, Mercury retrograde है। जैसे मैंने आपको बताया था, two most important things है कि Mercury retrograde है and जो भी situation है वो two eclipses। अभी आपने देखा कि last जो कि 7 दिन पहले एक solar eclipse था, 5th May को next आएगा वो होगा lunar eclipse होगा, तो we are hemmed between these two things और फिर Mercury retrograde भी है, तो ये काफी chaotic हमेशा ये जरा communication उसको represent करता है, तो ये काफी misunderstanding, समझेंगे नहीं, काफी chaotic माहौल होगा। तो unfortunately अभी तो मैंने वैसे ही, जैसे कब से आपको कहती आ रही हूँ कि ये आरा वैसे भी टाइम पीरियड सूटेबल नहीं है फॉर इलेक्शंस, एंड ऑफ दिस ईयर विल बी मोर सूटेबल, मगर जो भी अगर अभी करेंगे तो इट विल बी वेरी क्योटिक, कोई रिजल्ट एज सच आएगा नहीं, और जो भी गवर्नमेंट आएगी पावर में अगर होते हैं तो इट वोंट बी सक्सेसफुल। सारा कहा जा रहा है कि इस मंथ की एंड में 28th ऑनवर्ड्स जो है अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, बारिशें कराची में आ रही हैं। आपने कश्ती खरीदी? देखिए जनरली अगर मैं इसको बात करूँ तो देखिए जून से ऑनवर्ड्स ये शुरू हो जाता है जब हम अगर हिस्टोलॉजिकली भी देखा जाए, मगर नेक्स्ट 3 इयर्स तक वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स और ये जो नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं वाटर रिलेटेड एंड ये सारी चीजें है ना काफी ज्यादा ट्रिगर की हुई अंटिल 2026 एंड स्पेशली दिस लूनर इक्लिप्स विल शिफ्ट पोजीशन। जैसे हमने नॉर्थ में देखा था काफी, अब ये पोजीशन शिफ्ट होकर साउथ में आ गई है, तो ये मैं गवर्नमेंट को भी बोलूंगी, यहाँ का भी बोलूंगी जो साउथ में है उनको जरा जरा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए वाटर रिलेटेड एंड एवरीथिंग। पूरा कराची खोद दिया, डोंट यू वरी, बारिशें होंगी सब डूबेंगे। सही, पूरा डिफेंस तो पूरा ही खोदा हुआ है, अल्लाह रहम करे। डिफेंस और जो क्लिफ्टन के पोश इलाके हैं वहाँ तो तमाम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के ढक्कन खोद दिए गए हैं और लोग बड़े परेशान हैं, अल्लाह रहम करे। इलेक्शन आने वाले, उससे पहले काम तो मुकम्मल करवाना पड़ेगा। मुझे ये बताएगा सारा, क्योंकि हम लोग इंसान तो एक दूसरे के बारे में प्रेडिक्शंस लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या हमारे सितारे कह रहे हैं, हथनी मधुबाला जिनको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, उनके सितारे आप क्या देख रही हैं? क्या वो स्टेबल हो जाएगी? क्या लग रहा है? नूर जहां की मौत के बाद पेश है मधुबाला। देखिए हर इंसान का, हर जानवर का, हर किस्म का चार्ट बन सकता है, आई हैव द डिटेल्स, बट कमिंग बैक टू द एनिमल राइट्स, ये कुछ अच्छा काफी एक है ना, एक कोई कुछ ना कुछ ऐसी सम यू नो लॉ पास होना या कुछ ऐसी चीजें होना जो इन फेवर ऑफ एनिमल्स हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, काफी प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रहा है। शुरू में भी आई मैंने कोई न्यूज देखी थी पहले, ये कहते हैं कि एनिमल रिलेटेड कुछ हुआ था, बट आई होप सो कि पीपल गेट लॉयल। देखिए यहाँ पे पैशन कंपैशन काफी सारा है, बट दे आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज, दैट इज मोस्ट। कंपैशन के साथ सारा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह रहम करे। अच्छा हॉरोस्कोप्स का बताइए सारा, व्हाट्स गोना हैपन फॉर व्हिच स्टार?
अच्छा हम एडी से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपके हाउसेस होते हैं, तो इस हफ्ते मून विल बी ट्रांसिटिंग द फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड द सिक्स्थ हाउस. फोर्थ हाउस हमेशा हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों को, स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है, और सिक्स्थ हाउस हमारी डेली इनकम को और इवन एनिमल्स तक को रिप्रेजेंट करता है. तो ये काफी हैवी एनर्जी अभी एडीज के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ी ज्यादा हैवी एनर्जी होगी. जरा थोड़ा सा ख्याल रखें, पेशेंस इज द की, दे नीड टू वर्क ऑन देयर पेशेंस एज वेल. और थोड़ा होम रेनोवेशन की तरफ जा सकते हैं, ये अभी मर्करी रेट्रोग्रेड भी है, तो जरा प्लान अप करें एंड लेटर ऑन दे कैन डू इट. टॉरस के बारे में बात करें तो हेल्थ इश्यूज को जरा थोड़ा सा इनका ख्याल रखना पड़ेगा, दे नीड टू बी केयरफुल एट होम एज वेल. कोई झगड़ा या कोई बहस हो सकती है तो स्टे अवे फ्रॉम दैट एज मच एज यू कैन, जरा थोड़ा सा अच्छा रहेगा. एंड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी ट्रेड, थोड़ी पर्सनैलिटी अपनी आदतें चेंज करें तो दैट विल बी बेटर. कमिंग टू जेमिनाय, जेमिनाय के ये होगा आपके सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैवल कर सकते हैं, दे कैन गो बैक टू होम, जो लोग घर से दूर रह रहे हैं दे कैन एंजॉय सम गुड फूड, गुड टाइम टुगेदर विद देयर फैमिली. कुछ रिव्यू करना पड़ेगा उनको फाइनेंशियल, अपने प्लान्स को वो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. कैंसर की बात करें तो कैंसर कैन गेट इन टू नॉस्टैल्जिया और इमोशनल ईटिंग, इसमें सब जा सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं. जरा थोड़ा सा ख्याल रखें इन नेक्स्ट फ्यू डेज. लियो के बारे में बात करें तो लियो कैन प्लान समथिंग गुड फॉर देमसेल्व्स, लाइक लर्निंग सम न्यू स्किल्स, कुछ अपने आपके जो करंट सिचुएशन को एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा कोर्स ट्राई करें, दैट विल बी हेल्पिंग देम इन देयर करियर एज वेल. वर्गो की बात करेंगे हम तो वो उनको जरा थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि उनकी मैरिटल लाइफ में कुछ एकदम से सर्टेन कोई इश्यूज खड़े हो जाएं, जो पीछे से आपने एक होता है एक अंडर द कार्पेट काफी रखा हुआ होता है काफी अर्से से, दैट कैन कम अप एंड कैन क्रिएट इश्यूज, तो उस पर जरा थोड़ा सा ख्याल रखें. पीपल विल बी हेल्पफुल, तो सपोर्ट लें लोगों का एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, डोंट कीप थिंग्स एवरी टाइम यू सेल्फ. लिब्रा के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट उनके लिए है कि दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद देयर किड्स, दे विल बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, जो उनके पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में अच्छा रहेगा, तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट, क्रिएट अ गुड बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड द किड्स एज वेल, तो ये काफी अच्छा रहेगा. इमोशनली थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे वो अपने वर्क में भी, तो दैट विल बी अ गुड थिंग कि वो अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे इन चीजों में. कमिंग टू स्कॉर्पियो राइट नाउ, दे विल बी वेरी वेल फोकस्ड, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इफ दे वांट टू पुट अप सम वर्क फॉर देयर प्रमोशन और इंक्रीमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो वो अगले जैसे आप करेंगे तो वो अगले दो महीने में जाके शायद उनको इंक्रीमेंट हो जाए. ये चाहे ईयर के लिए भी है, थोड़ा नेगेटिव टाइम पीरियड भी है इनका, बट अगेन ये टाइम पीरियड जो मैं बता रही हूँ दैट विल बी अ बेनिफिशियल वन फॉर देम. सेजिटेरियस के बारे में बात करें तो दैट विल बी हैपनिंग इन देयर एट हाउस, तो जब एट हाउस का मून जब ट्रांसफर करता है, ट्रांसेक्ट करता है, आई डोंट रिकमेंड देम टू साइन एनी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा ख्याल रखें उस चीज का. कमिंग टू कैप्रिकॉन, इट विल बी अ गुड टाइम टू कनेक्ट विद देयर पार्टनर्स, द स्पाउस, एक रीस्टैब्लिश हो जाएगा एक कनेक्शन अगर दे आर लिविंग सेपरेटली और समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा इनको अच्छा रहेगा. न्यू अपॉर्चुनिटी ट्रैवल रिलेटेड आ सकती है, वर्क रिलेटेड भी आ सकती है. Then going to Aquarius ke liye it will be like meeting someone new as a mentor, someone will be there to guide them, unko guide karne ke liye koi acha ek insaan ko mil sakta hai, sahi us cheez ka fayda uthaye in terms of that ke positivity great hogi. Pisces के बारे में बात करूँ तो उनको जरा थोड़ा सा हेल्थ चेकअप के जरा का जरूरत है, जो भी अगर वो इश्यूज हैं अंडरलाइन इश्यूज हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनका अगर राइट टाइम पे वो डायग्नोस करा ले दैट विल बी गुड, बट अगेन मर्करी रेट्रोग्रेड है तो इसके बाद टेस्ट करें तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी. बोलियूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल. जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो. हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद. आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा. मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज. CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ. उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.